इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा से आ रही है, जहां पर तीन दिवसीय सत्र को आयोजित करने के बाद में सत्र के तीसरे दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि वो दिल्ली के अधिकारों को वापस दिलाकर रहेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल के संबंध में बीजेपी पर तगड़ा हमला बोलते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। तो ये बड़ा बयान है जिसे लेकर संभवतः आगे विवाद हो सकता है कि कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कानून बनाकर दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपको आपके अधिकार वापस दिलाकर रहूंगा। हम किसी भी हालत में दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे। तो यह बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल का। हालांकि इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आप खुद उनका पूरा बयान सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा पारित उस ऑर्डिनेंस और उसके बाद एक बिल जो उन्होंने अभी संसद में पारित किया, जिससे उन्होंने दिल्ली के लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया। इस ऑर्डिनेंस और इस बिल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ऑर्डिनेंस क्यों आया, ये बिल क्यों आया। थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, 8-9 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। 2013 का साल था, अगले साल 2014 में अप्रैल के महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। पूरे देश के अंदर 2013 में कांग्रेस को लेके बड़ी नेगेटिविटी थी। चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे मोदी लहर चल रही है। चारों तरफ देश के अंदर मोदी जी के बारे में चर्चा थी। अचानक 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, 8 दिसंबर को नतीजे आए और 8 दिसंबर को कुछ अद्भुत हो गया कि एक नई पार्टी जिसके पास ना आदमी, चार आदमी नहीं थे, चार रुपए नहीं थे, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। सारे मीडिया ने, मेरे को याद है चुनाव के 48 घंटे पहले भी इन मीडिया वालों ने हमारा एक स्टिंग जारी किया था, और एक नई पार्टी की 28 सीट आ गई और उनकी सरकार बन गई। और 28 दिसंबर को उस सरकार ने शपथ ली और सरकार ने काम करना चालू कर दिया। तो जो पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, अब चर्चा चारों तरफ हो गई पूरे देश में, आम आदमी पार्टी कहां से आ गई। सारे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा, मेरे को याद है जनवरी के फर्स्ट वीक में टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर हेडलाइन थी कि उन्होंने सर्वे कराया और आम आदमी पार्टी की 150 सीट आने वाली है। मतलब माहौल ये था चारों तरफ, लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या करिश्मा होने वाला। आप सोच सकते हो मोदी जी के दिल पे उस टाइम क्या गुजर रही होगी। आदमी बेचारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और एक अचानक पता नहीं एक छोटे से राज्य, आधे राज्य के अंदर एक नई पार्टी आई और उसने हंगामा शुरू कर दिया। हमारी सरकार 49 दिन ही चली, लेकिन उस 49 दिन को लोग आज भी याद करते हैं। उस 49 दिन में जो अभी कुलदीप कह रहा था, पूरे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। लोग बताते हैं, ये पंजाब जो हम जीते, पंजाब के ट्रक ड्राइवर जो दिल्ली आते हैं वो बताते हैं जी चौराहों के ऊपर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लोगों ने पैसे लेने बंद। हमने जारी किया था ना वो कि भाई आप कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, उसकी सेटिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना और मैं उस अफसर को जेल भेज दूंगा। 32 अफसरों को जेल भेजा हमने 49 दिन में। दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लोगों ने कभी ऐसी सरकार देखी नहीं थी और उसकी चर्चा पूरे देश में।
उसके बाद कोई महिला सुरक्षा को लेकर दो तीन केस आए, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री सड़क के ऊपर जाके दो या तीन दिन के लिए रात भर में वहां सोया था, पूरे देश का सारा मीडिया हमारी चर्चा कर रहा था। मोदी जी तो उनको लगा यार ये क्या हो गया, अभी तक तो चर्चा उन्हीं की चल रही थी। दिल्ली के अंदर बिजली के रेट एकदम से आधे हो गए, दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त हो गया, और उस वक्त जो इस देश का सबसे अमीर आदमी था उसके खिलाफ बाय नेम एफआईआर दर्ज करानी। जिस आदमी का नाम लेने से ये सारी पार्टियां कांपती हैं, नाम लेने से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, मैंने नोटिंग करी थी। 49 दिन की सरकार थी, हमने इस्तीफा दिया, जो भी कारण रहे हमने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद इनको चैन की सांस पड़ी। अप्रैल का महीना आया, ये चुनाव लड़े, और उसके बाद इनको पूरी, ये लोग जीत गए भारी बहुमत से, मोदी जी की जीत हुई, और सारी तरफ हुआ मोदी इरा, मोदी एज, मोदी युग आ गया। इनको पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है। मेरे को याद है एक अमित शाह का इंटरव्यू आजकल काफी चलता है, उसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के साथ डिबेट करेंगे, तो उन्होंने कहा अगर 16 मई के बाद, 16 मई को नतीजे आए थे लोकसभा के, 16 मई के बाद अगर केजरीवाल जी राजनीति में कायम रहे, जिंदा रहे राजनीति में, तो मैं जरूर उनके साथ डिबेट करूंगा। उनको लगा कि अब आम आदमी पार्टी भी खत्म और केजरीवाल भी खत्म। पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, आंधी थी, तूफान था, भूचाल था मोदी जी का। मोदी जी महाराष्ट्र जीत, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के बाद मोदी जी महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा में चुनाव हुए मोदी जी हरियाणा जीत गए, झारखंड में चुनाव हुए मोदी जी झारखंड जीत गए, फिर नंबर दिल्ली का आया। फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव हुए, और दिल्ली में 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी, सीट पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पार्टी 3 सीट के ऊपर सिमट गई। आप सोच के देखो उस वक्त उस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरी होगी जो घोड़े पे बैठ के निकला था और जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, चारों तरफ जीतता जा रहा है, जहां जा रहा है, जिस राज्य में से गुजर जाता है वहां जीत जाता है, और उसका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया, उसका घोड़ा रोक दिया, वो लव और कुश ने दिल्ली वालों ने उनका उनका घोड़ा दिल्ली वालों ने रोक दिया। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई थी, इस आम आदमी पार्टी को मैं खत्म करूंगा और इनकी सरकार को खत्म करूंगा। पर भगवान तो भगवान है, भगवान ने कुछ और ही सोच रखी थी। एक तरफ मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करने के लिए पूरा तंत्र लग गया, और ऊपर वाले का करिश्मा देखो, ऊपर वाले ने 9 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बाद थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बना दिया ऊपर वाले ने, करिश्मा कर दिया। मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया, उन्होंने पूरी कोशिश की खत्म करो इनकी पार्टी को, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा अभी एक एक करके। तो हमारी सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को, 23 मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, तीन महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया, MHA ने, केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि अब दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसेज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। केंद्र सरकार कैसे कर सकती है यार, संविधान में लिखा है ये हमारा है, कल को कह देंगे उड़ीसा सरकार का बिजली के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, अरे बिजली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है यार, कल को कह देंगे महाराष्ट्र का एजुकेशन के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है यार, कल को कह देंगे तमिलनाडु का व्यापार के ऊपर कोई शब्द नहीं रहे, वो तो बिल्कुल असंवैधानिक ऑर्डर, अनकंस्टिट्यूशनल ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का
एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विस। एंटी करप्शन ब्रांच क्यों करा? क्योंकि जो 49 दिन की हमारी सरकार थी उसमें एंटी करप्शन ब्रांच को इस्तेमाल करके मैंने दिल्ली में भ्रष्टाचार रोका था। मोदी जी नहीं चाहते थे कि हम भ्रष्टाचार रोकें। और सर्विसेज क्यों उन्होंने किया? सर्विसेज इसलिए किया क्योंकि वो अफसरों को हथियार के रूप में, द ब्यूरोक्रेसी ऑफ दिल्ली हैज बीन वेपनाइज्ड, उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करके और दिल्ली के लोगों को कुचलना चाहते थे, मारना चाहते थे। और वो किया। अभी सौरभ ने इतने सारे उदाहरण दिए। पिछले साल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयां बंद कर दी। बताओ, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आम लोगों की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। पिछले साल इन्होंने अफसरों को बुलाते हैं, उनकी गर्दन मरोड़ते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, धमकियां देते हैं, लड़ते हैं। अफसर बुरी तरह से डरा रखे हैं इन्होंने सारे अफसर। जो अफसर अच्छा काम करे उसे उठा के इधर से उधर फेंको। जो भी सबसे निकम्मे, सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदे अफसर हैं उनको सबसे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे बिठा रखा है इन लोगों। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी। मोहल्ला क्लिनिक में लैब के टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। अस्पतालों के अंदर, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया ताकि अस्पताल ठप हो जाएं। टीचर्स को हम फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, टीचर्स को फॉरेन ट्रेनिंग पे भेजना बंद कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी। पूरे दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की 1.5 साल से बेसिक रिपेयर होनी बंद हो गई है। पिछले 1.5 साल से ओल्ड एज पेंशन रोक दी इन लोगों ने। मैं जब लोगों को बताता हूं ना, बीजेपी ने ये सब किया, कहते हैं नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकती है और लाखों लोगों को मार सकती है, कत्लेआम कर सकती है, वो दवाइयां रोकना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ऊपर वालों के यहां देर अंधेर नहीं है। 8 साल की जद्दोजहद के बाद अंत में 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बड़े जजों ने बैठ के 3 हफ्ते तक सुनवाई करी इस केस की। और 3 हफ्ते तक सुनवाई करने के बाद 4 महीने तक उन्होंने सोचा समझा आपस में और 4 महीने के बाद ऑर्डर दिया उन्होंने सुनवाई के। और उस ऑर्डर में एक तरफा उन्होंने कहा कि हमारा देश जनतंत्र है और जनतंत्र के अंदर जनता सरकार चुनती है और सरकार चुनी हुई सरकार को सारा अधिकार है काम करने के लिए। अफसरशाही के ऊपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ही पावर होगी, एलजी की भी पावर नहीं होगी और मोदी जी की भी पावर नहीं होगी। ये कोर्ट के आदेश को लिखा है कि केंद्र सरकार की भी पावर नहीं होगी और एलजी साहब की भी पावर। साफ साफ आदेश। इसके बाद कुछ बचा नहीं था। लोगों को लगा अब तो खत्म हो गया। लेकिन लोगों को इनकी बेशर्मी की हदें नहीं पता। 11 मई को ऑर्डर आया। 19 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने वाली थी, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ। 20 मई से छुट्टी होने वाली थी, किसी ने सोचा नहीं था 19 मई की रात को 10 बजे इन लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया इन लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा मैं उसको पलट दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा इस देश के अंदर तो इस देश के जनता की रक्षा करने वाला कौन बचेगा? इस देश की जनता को न्याय कौन दिलाएगा? सारा देश स्तब्ध। मैं जहां भी जाऊं लोग कहें यार मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पलट। सारा देश स्तब्ध था। उसके बाद अब ये बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लेके आए। मैं सुन रहा था, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने। 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस 2 घंटे में 1 लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दिया ये कानून लाने की, हमारे पास पावर है,
सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर, अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को, लेके डूबोगे क्या इस देश को, मारोगे क्या लोगों को, तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर, कत्लेआम करोगे क्या लोगों का, पावर तो सारी है तुम्हारे पास, इसी लोगों ने पावर दिया, एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर, ये जो पावर 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 का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है, बस एक ही लाइन और, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास। पावर किस लिए दी है तुमको? पावर इसलिए दी है कि जनता का भला करो, पावर इसलिए दी है कि जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए दी है कि लोगों को रोजगार दिलाओ, पावर इसलिए दी है कि सड़क दो, बिजली दो, पानी दो, जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए नहीं दी कि जनता के अधिकारों को कुचल दो तुम, पावर इसलिए नहीं दी कि संविधान को कुचल दो तुम। एक चीज सोचने वाली है, इन लोगों को ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? इन लोगों को ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अब इन्होंने पूरी दिल्ली, दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचा रखा है। जहां नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबको दो तरीके इन्होंने अपनाए हैं, दो हथियार हैं इनके पास जिससे ये सरकारें गिरा रहे हैं, या तो पैसे देते हैं और या फिर ईडी सीबीआई छोड़ के उसको धमकी देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर बेल तभी होती है जब वो अपनी पार्टी बदलता है, उसके बाद ही बेल होती है। इन्होंने दिल्ली में दोनों हथियार इस्तेमाल किए, अभी तक ये 9 राज्यों के अंदर, प्रधानमंत्री जी अब एक नया घोड़ा लेके चले हैं, पहले भी एक घोड़ा लेके चले थे, अब जो रथ लेके चले हैं उस रथ में 3 घोड़े हैं, एक ईडी, एक सीबीआई और एक कैश। मोदी जी ये 3 रथ वाला घोड़ा लेके चले हैं, इस रथ से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जीत लिया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी, पुडुचेरी की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, मेघालय की सरकार गिरा दी, फिर इनका रथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना, दिल्ली वालों ने हीरे चुनके भेजे हैं, जो एक आदमी ने भी कहा 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। फिर उन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, अभी हम महाराष्ट्र के अंदर तो खेल देख ही रहे हैं, जो जो पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में जा रहे हैं सबकी बेल होती जा रही है, सबकी बेल होती जा रही है, ईडी की सबकी। आज अगर मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, कल बेल हो जाएगी, कोई उन्होंने कुछ गलत काम थोड़ी कर रखा है, ये तो नौटंकी चल रही है। तो उनकी वो भी अटे डटे हुए हैं कि तुम्हारी ईडी सीबीआई जो मर्जी कर लो, पूरी जिंदगी जेल में रख लो, लेकिन तुम्हारी पार्टी में नहीं आएंगे। तो इधर इनका ये रथ आके रुक गया, ना तो इनका कैश चला, ना इनकी ईडी सीबीआई चली, तो तब इनको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि यार ये कुछ और घपला कुछ करो, और इनकी सरकार को गिराओ, इनकी सरकार को काम करने से रोको। दिल्ली के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, 3 पहले हमें असेंबली के चुनाव जिताए, फिर उन्होंने एमसीडी का चुनाव जिताया, पिछले साल इन्होंने कितना गंद मचाया दिल्ली में, जो अभी मैं बता रहा था, पर जनता तो देख रही है, जनता कोई बेवकूफ थोड़ी है, इन्होंने इतना गंद मचाया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट रोक दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी, और ओल्ड एज पेंशन रोक दी, विधवा पेंशन रोक दी, फिर भी दिल्ली वालों ने इनको हरा दिया। दिल्ली वाले जानते थे यही हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कसूरवार यही हैं। दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली वालों से लड़ते हैं, डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को यही खतरा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जैसे दिल्ली वाले इनको प्यार करते हैं, कहीं पूरा देश इनको ना प्यार करने लग जाए। फिर तो दिल्ली हो गई दिल्ली के, अब पंजाब वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं, लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में तो 50 साल कम से कम इनकी सरकार कहीं नहीं जाती, तो उनको यही डर लगता है। 8 साल हो गए हमारी सरकार को, अब 7-8 साल, 8 साल में दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है। पहले दिल्ली को लेके पूरे देश में क्या चर्चा होती थी,
कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी घोटाला, पूरे देश में जब भी कोई दिल्ली वाला जाता था, अच्छा तू दिल्ली से आया, वही सीएनजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, घोटाले से जाने जाते थे। अब दिल्ली वाला पूरे देश में कहीं भी जाता है, लोग पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे बिजली के बिल जीरो आते हैं, अच्छा तुम्हारे स्कूल इतने अच्छे हो गए, अच्छा तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक कैसे हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ इलाज। लोग दिल्ली के लोगों के पूरे देश में इज्जत बढ़ गई। लोगों के बाहर से रिश्तेदार आते हैं, मेरे को बताते हैं लोग, बाहर से रिश्तेदार आते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, आज मैं बाहर से आया, मैं टैक्सी में बैठा, मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, टैक्सी ड्राइवर खूब तारीफ कर रहा था स्कूलों की, आज मैं बाहर से आया, मैं ऑटो में बैठा, मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछा, वो खूब तारीफ कर रहा था दिल्ली के अस्पतालों की। इतनी इज्जत दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है पिछले 8 साल के अंदर। इन्होंने हमारे इतने काम रोके, पूरी कोशिश कर ली पिछले 8 साल से, प्रधानमंत्री जी पर्सनली लगे हुए हैं हमारे सारे काम रोकने के लिए, उसके बावजूद भी हमने स्कूल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा दिया, पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा करा के ला रहे हैं बुजुर्गों को, कच्ची कॉलोनियों के अंदर इतना बड़ा सड़क बना रहे हैं, पानी की पाइपलाइन लगा रहे हैं, सीवर का नेटवर्क लगा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन आज सबसे ज्यादा पूरे देश में दिल्ली के अंदर मिल रही है, सबसे कम महंगाई, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार का आंकड़ा कह रहा है, सबसे कम महंगाई आज दिल्ली के अंदर है दिल्ली के लोगों के, और जगह जगह सड़कों का निर्माण इतने काम। मेरे को लगता है अगर सबसे ज्यादा काम करने का कोई नोबेल प्राइज होता तो वो दिल्ली की जनता को, 2 करोड़ लोगों को। मुझे कई बार लगता है कि भगवान की कृपा है दिल्ली वालों के ऊपर कि इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक खिड़की कहीं से खोलता है, हर जगह कभी ना कभी कोई खिड़की खुल जाती है और दिल्ली वालों के काम हो जाते हैं। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। ये पिछले 2 साल से सारी CBI ED लगी हुई है, अरे 100 करोड़ रुपए खा गए लोग, अरे कहीं कोई एक पैसा तो मिले, 100 करोड़ है कहां, 100 करोड़ खा गए। हमारे पास अगर है तो हमारे पास आशीर्वाद है। आज दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य बना दिया, उनके माँ बाप सीस देते हैं हमको। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली के अस्पतालों के अंदर करोड़ों लोग अपना फ्री में इलाज कराते हैं। जिसका भी फ्री में इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, वो हमें आशीर्वाद दे के जाता है। आज दिल्ली के घर घर के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है, जितने गरीब हैं वो तो हमें आशीर्वाद देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? कितने अभी तीर्थ यात्रा पे, मैं एक ट्रेन को सी ऑफ करके गया था, इतना आशीर्वाद दे रहे थे बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, और जितने काम इन्होंने किया वो सारे पाप किए हैं, और ऊपर वाला देख रहा है। इन्होंने लोगों के अस्पताल रोके, इन्होंने लोगों की दवाइयां रोकी, इन्होंने लोगों का पानी रोका। तो पाप अगर करोगे तो आपको उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। किसी ने सही कहा है, ये जिंदगी भर यहीं बैठेंगे, और अभी तो 8 हैं, देखना अगली बार 2 भी नहीं बचेंगे। मोदी जी दिल्ली वालों को हराना चाहते हैं, मोदी जी दिल्ली वालों के बेटे को हराना चाहते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ना दिल्ली वाले हारेंगे और ना दिल्ली वालों का बेटा हारेगा। डट के मुकाबला करेंगे, और मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आपका एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आएंगे, दिल्ली के लोगों के हक में वापस दिलाऊंगा, और उसके बाद 100 की बजाय 200 की 300 की स्पीड से काम होगा। लेकिन तब तक काम रुकेंगे नहीं। आपके विदेशों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, जनतंत्र की बात करेंगे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात, और यहां आके डेमोक्रेसी को कुचलने की और क्रश करने का। मैं ये सोच रहा था, डेमोक्रेसी के कई सिस्टम होते हैं, कोई कहता है वेस्टमिंस्टर मॉडल,
कोई कहता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कोई कहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, अलग अलग मॉडल है। ये जो बिल आए हैं इसमें 3 मेंबर कमिटी बनाई है जिसमें मुख्यमंत्री होगा और 2 अफसर उसके सर पे बैठे होंगे, ये कौन सा मॉडल है? भगवान ही जानता है ये कहां से लाए। आरएसएस वालों का सबसे खुराफाती दिमाग होता है ये संघी मॉडल है, भगवान ही जानता है ये ऐसा मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल है कि लंदन का, ये संघी मॉडल है जो ये डेमोक्रेसी का एक अलग ही मॉडल ये निकाल के लेके आए हैं, चौथी पास मॉडल है ये। दिल्ली के लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने मुझे कुर्सी दी है, मैं आपकी कभी भी पगड़ी उछलने नहीं दूंगा। आपका कभी भी सर नहीं झुकने दूंगा, दिल्ली के कभी कोई काम में रुकने नहीं दूंगा। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कोई आया था बीजेपी वाला, वो कह रहा था या तो तुम भी बीजेपी को सपोर्ट कर दो और नहीं तो या तो तुमको झुका देंगे और या तुमको तोड़ देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली की जनता को या तो झुका दे और या तोड़ दे। दुनिया में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे। अभी मैं लाल किले से भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने, वो कह रहे थे कि अब हम 1000 साल आगे का एक वो नींव रख रहे हैं, कुछ भैया 1000 साल ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, 1000 साल की नींव रख रहे हैं। तो 1000 साल का अगर मॉडल यही है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, 32 गवर्नर होंगे और वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के और उन 32 गवर्नर के जरिए पूरा देश चलाएगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 1000 साल तो क्या, 5 साल भी आपका ये मॉडल, 140 करोड़ लोग मिलके इस मॉडल को चलने नहीं देंगे आपका। हमने आजादी केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं पाई थी, इस देश के लोग सरकार चुनेंगे, आप उस अधिकार को छीन नहीं सकते, आप जनतंत्र को कुचल नहीं सकते। केंद्र में भी सरकार लोग बनाएंगे, राज्य में भी सरकार लोग बनाएंगे, पंचायत में भी सरकार लोग बनाएंगे और म्युनिसिपैलिटी में भी सरकार लोग बनाएंगे। आप अगर सोचो कि आप प्रधानमंत्री बनके और गवर्नरों के जरिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए पूरा देश चलाओगे तो 140 करोड़ लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। 1000 साल तो क्या, 5 साल भी आपका ये मॉडल नहीं चलने वाला। और मेरा दिल कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है और ये वाला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का मुद्दे के ऊपर ये वाला चुनाव। VK News, राष्ट्र के नाम।